नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.3 का 12वां प्रश्न करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आप इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। देखो मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ इसको। आकृति 12.30 में, जो कि ये आकृति है, OACB ये गोल है इस तरीके से, है ना बेटा? सीधी लाइन नहीं है, ये गोल है। तो ये क्या बन गया, एक चतुर्थांश जैसा बन गया। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, मैं OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो ये एक चतुर्थांश है बच्चों। चतुर्थांश मैं आपको याद करा देता हूँ। देखो इस प्रकार से होता था वृत्त में, ऐसे वाला, इसको चतुर्थांश कहते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, बस चतुर्थांश में क्या होता, सॉरी ये तो त्रिज्या खंड हो गया। चतुर्थांश होता है यदि ये और ये इन दोनों लाइनों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो, जैसे कि ये, इसको हम चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, तो ये वैसा ही बना हुआ है चतुर्थांश, जिसमें कि 90 डिग्री का कोण है। तो देखिए बच्चों, यदि OD, O से D जो है यह 2 सेंटीमीटर है, तो निम्न का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला है चतुर्थांश, तो सबसे पहले हमें निकालना है चतुर्थांश OACB, दूसरे भाग में छायांकित भाग, यानी ये जो शेडेड पोर्शन है। तो सबसे पहले देखते हैं चतुर्थांश AB, OACB का क्षेत्रफल। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि ये चतुर्थांश क्या है, एक त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये तो हमने बहुत सारे क्वेश्चनों में कर लिया, तो इसी का हम यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों त्रिज्या देखो, ओ से ए तक त्रिज्या हमें दी है, त्रिज्या 3.5, तो ये मैंने लिखा 3.5, इसका स्क्वायर है तो दो बार लिखना पड़ेगा 3.5 इंटू थीटा। बच्चों जब चतुर्थांश होता है तो कंप्लीट सर्कल का चौथा भाग होता है, चौथा अंश, तो ये 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये कोण आ जाएगा 90 डिग्री, नीचे है 360 डिग्री। आइए अब इसको हम हल करेंगे। देखो बच्चों कैसे, ये दशमलव हटा तो नीचे लग गया एक, दशमलव के बाद एक अंक है तो 10, ये दशमलव हटा, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे लग गया एक और 0। ठीक है बच्चों, ये 2 0 क्यों आए, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक यहाँ था, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ था, तो हमने नीचे ऊपर थे तो इसलिए नीचे 2 0s लगा दिए। अब हम इसे हल करेंगे बच्चों। देखो कैसे, 7 से 35 कट जाएगा, 7 5 35, 90 से 360 कट जाएगा, 90 चौके 360, या आप 0 से 0 काट के 9 चौका 36 भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों 2 के पहाड़े में 2 2 4 और 2 के पहाड़े में 11 2 22। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ से बच गया है 11 × 5 × 35/200। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो अब इसे आगे देखते हैं बच्चों, अभी आगे भी इसकी कटिंग हो जाएगी। देखिए कैसे, 5 के पहाड़े में कट जाएगा 7 5 35 और 5 के पहाड़े में 20 5 100, फिर से 5 1 5 5 4 20। अब देखते हैं बच्चों क्या बचा, नीचे ये 7 था, ये कट चुका, ये 360 कट के 4 आया था, 4 कट के बचा है 2, और यहाँ पर 100 कट के 20 कट के बचा है 4। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से नीचे बच गया 2 × 4 2 × 4 हो गया 8। आइए ऊपर देखते हैं, ऊपर है यहाँ से 22 कट के बचा था 11 × यहाँ 1 बच गया ख़त्म, यहाँ है 7 और यहाँ पे 90 ख़त्म हो चुका है, तो यानी 11 × 7 11 × 7 होता है 77। तो बच्चों ये जो है, ये हमारे पास हमारा पहला उत्तर आ गया है चतुर्थांश
OACB, ये पूरे चतुर्थांश, यानी ये जो आकृति आपको पूरी देख रही है चतुर्थांश, इस पूरे का क्षेत्रफल आपको मिल गया है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके NCERT किताब में यही उत्तर दिया, इसलिए मैं भी इसको यहीं पर छोड़ रहा हूं। अब आते हैं हम प्रश्न के दूसरे भाग में। दूसरा भाग है छायांकित भाग। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये जो शेड किया हुआ है। तो बच्चों देखो, पूरा चतुर्थांश जो अभी हमने निकाला 77.8, उसमें से यदि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें, ये त्रिभुज है ना BOD, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो बाकी बच जाएगा ये वाला, है ना। पूरे चतुर्थांश में से ये त्रिभुज माइनस कर देंगे तो बाकी ये शेडेड पोर्शन बच जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। दूसरा भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यह बराबर है चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, OBD, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था बच्चों, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो बच्चों हमने अभी निकाला है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अभी निकाल रहे हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 बेस × हाइट, है ना, 1/2 × आधार × ऊंचाई भी होता है त्रिभुज का फार्मूला। तो ये हो गया 77/8 माइनस 1/2 × बेस। त्रिभुज का बेस है OB, OB यानी कि इस चतुर्थांश की त्रिज्या जो कि थी 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट है OD, OD हमें दिया हुआ है बच्चों 2 सेंटीमीटर। तो इसे हम हल करेंगे। देखिए ये 3.5 है, इसको हटाया नीचे लग गया 1, दशमलव के बाद एक अंक है तो 0, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट गया, बाकी बच गया 35/10। ओके बेटा, तो इसको हम 5 के पहाड़े में काट दो, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10। तो हमारे पास बच गया है 77/8 माइनस 7/2। इसको हल करो, 8 और 2 का लघुत्तम आ जाएगा 8। 8 को 8 से भाग किया 1 × 77 = 77 माइनस 8 को 2 से भाग किया 4, 4 × 7, 4 × 7 = 28। तो हमारे पास 77 में से 28 माइनस करना है, 17 में से 8 = 9, 6 बचा, 6 में से 2 = 4 / 8, 7 में है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो देखो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा आपने, हमने इस प्रश्न में सबसे पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। मैं यहाँ पर वीडियो देखो यहाँ पे ऐसे रख रहा हूँ ताकि आप पहले भाग को यहाँ से नोट कर सको, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ, उसके बाद आप वीडियो को रोक कर इसको लिख सकते हैं, उसके बाद इस प्रकार से मैं इसको रख रहा हूँ ताकि आप नीचे वाले भाग, दूसरे भाग को भी आराम से लिख सकें। तो बच्चों देखो, इतने सारे कलर्स का यूज़ करते हैं, इतनी सारी ड्राइंग्स का यूज़ करते हैं हम, ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ आए। सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको प्रश्न अच्छे से समझ आना चाहिए। तो यदि आपको हमारी मेहनत ठीक लगती है, समझ आती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों के वीडियोज़ भी देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।